हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सुनीता। कैसे हो आप? आशा करती थी अच्छी हूँ। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड। तो चलिए, बहुत ही टेस्टी हेल्दी नाश्ता लेके आई हूँ। यहाँ मैंने मूंग दाल ले लिया फ्रेंड। मूंग दाल को भिगो लिया है और इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर हरा वाला मूँग भी ले सकते हो और उसे 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दोगे, फिर भी भीग जाएगी फ्रेंड। तो मैंने यहाँ पर ओवरनाइट भिगोया था। अब आपके पसंद की जो भी सब्जी हो आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पर गाजर लिया है, शिमला लिया है फ्रेंड, थोड़ी सी गाजर और एक प्याज कटी हुई, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, और हम खड़ा जीरा डालेंगे फ्रेंड, जो हाथों से क्रश करके डालेंगे, और हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1/4 कप यहाँ पर हम दही लेंगे फ्रेंड, स्वाद के अनुसार नमक। ये इतनी टेस्टी बनेगी फ्रेंड कि आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हो आराम से, और घर में भी चाय के साथ भी एंजॉय किया जा सकता है। इसे अच्छे से मिलाएंगे फ्रेंड। अब मैं यहाँ पर बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ 1 टीस्पून। मैं अदरक भूल गई थी फ्रेंड, तो थोड़ी अदरक डाल देंगे हम यहाँ, और हरी धनिया इसे मिला लेंगे फ्रेंड। तो मैं इसमें तड़का लगा ले रही हूँ, थोड़ी सी सरसों और कड़ी पत्ता तड़का लगाएंगे, क्योंकि बहुत ही टेस्टी लगी खाने में। जब बाइट में मिलेगी फ्रेंड तो एक सोना बनाएगा। तो यहाँ मैंने देखी फ्रेंड 1 चम्मच ऑयल लिया है, ज़्यादा ऑयल लेने की हमें ज़रूरत नहीं। तो अब हम अपने तैयार किए पेस्ट को अपने मोल्ड में डाल देंगे फ्रेंड, और इसे हम 2 से 3 मिनट में पलट लेंगे। ये बहुत अच्छे से पक जाएगी और पलटने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी फ्रेंड। इसी तरह से अगर क्या आगे पीछे करके इसे पकाना पड़ेगा इसे हमें, क्योंकि बीच में थोड़ा टेम्परेचर अच्छा लग पाता है अपे मोल्ड में और साइड से नहीं लग पाता फ्रेंड। तो बीच में हम ऐसे पलट के पका हुआ अपे को हम निकालेंगे, और उसके बाद बीच में हम डाल देंगे अपने अपे को, साइड वाले को। इसी तरह से करके हम पका लेंगे। और मैं इसके साथ एक चटनी भी लाई हूँ आपके लिए, जो इतनी टेस्ट लगेगी फ्रेंड कि बच्चे आपके मांग मांग के खाएंगे इसे। मेरे घर में ये चटनी बहुत ही पसंद है सबको। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है, और 2 से 3 लहसुन ले लेंगे हम यहाँ पर, और 1 रफली कटी हुई प्याज डालेंगे फ्रेंड। हमें सभी को सॉटे करना है, लाल नहीं करना है फ्रेंड, एकदम दिमाग पर आप इसे कर सकते हो। तो यहाँ मैंने 5 से 7 सूखी मिर्ची डाली है, ये थोड़ा कम तीता था फ्रेंड इसलिए मैंने लिया है इतना। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे हम इसमें। अब हम फ्रेंड इसे भुनेंगे अच्छे से, चलाते रहेंगे, और हम कड़ी के पत्ते डालेंगे फ्रेंड थोड़ा सा, और हम इसमें इमली का पल्प डालेंगे, जो कि और भी टेस्टी लगेगी खाने में ये। अब इसे हम थोड़ी देर पका कर फ्रेंड इसे ठंडा कर हम इसका एक चटनी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने चटनी तैयार कर ली है। इसमें हम तड़का लगाएंगे सरसों और कड़ी पत्ता से, इसका हम तड़का लगाएंगे फ्रेंड। तो बन के तैयार है हमारे अप्पे, जो हाई प्रोटीन से भरपूर। कैसी लगी ये रेसिपी बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले फ्रेंड। थैंक यू।